हे गाइस नमस्कार, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हम जय माता दी से करते हैं, क्योंकि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम माँ वैष्णो के दरबार गए हुए थे। और माँ वैष्णो के दरबार जो भी जाते हैं भाई, जो हंसी, जो खुशी, जो हर्षोल्लास के साथ हमें पूरी यात्रा करने का मौका मिलता है, वो शायद हिंदुस्तान में कहीं ना मिले। और बहुत ही अच्छा लगा माँ वैष्णो के दरबार में, एक एक पल हमें बहुत ही सुहाना लग रहा था। थोड़ी सी गर्मी थी लेकिन हम लोगों ने फिर भी सारे पलों को एंजॉय किया और सारी वीडियोस भी दिखाई। रास्ते में हम लोगों को बहुत सारे लोग भी मिले, बहुत सारे लोग हमें पहचानते थे जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इतना ही नहीं, हमें तो रुद्र भाई की फैमिली भी मिली, रुद्र पूजा की फैमिली, तो उनसे भी थोड़ी सी बातचीत हुई। ज़्यादा हम लोग, क्योंकि सब लोग आगे पीछे चल रहे हैं, अब मैं भी आगे पीछे चल रहा था सब लोग, तो थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं दे पाए, लेकिन हाँ बहुत मज़ा आया। और उसके बाद से हम लोग आज दिखाएंगे कि वैष्णो माता के दरबार में कैसे हमने दर्शन किए, कैसे थक थक के घोड़े ले रहे थे, कैसे मम्मी पापा सब थक रहे थे। तो वीडियो को एंड तक बने रहना, और रुद्र भाई की भी झलक आपको दिखी जाएगी वीडियो में, तो बस बने रहना वीडियो के एंड तक। जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, चलिए चलते हैं ब्लॉग की तरफ। सो गाइज, अब हम लोग यहाँ पर, मनीषा पहचान गई है कि रुद्र के भाई यहाँ पर घूम रहे हैं भाई साहब, तो शायद रुद्र और पूजा भी टक्कर जाएं। वैसे शुभम तो हमें दिख गया है, बट हम बोल रहे थे ना आपसे, हम देखे, हम घोड़ा हम रुकवा दी थी एक जगह, लेकिन देखने के लिए हम बोले नहीं चलो चलो हम फॉलो करते हैं। ओ भाई साहब, मम्मी ये मेरे को यहाँ पे बोली कि हमको लग रहा है ना शुभम भाई को हम नीचे देखे हुए हैं, तो हम बोले कि अच्छा रुको, रुकते हैं, वेट करते हैं। तब दूर से हम देख के पहचान गए, हाँ ये वही है लोग। और कैसा रहा, थकी नहीं आप आंटी? थक गई है ना, ये मनीषा की मम्मी है, ये मनीषा की मम्मी है। अच्छा, चलो ये देखिए, ये लोग सबको पैदल ले आए हैं, आज का ट्रैकिंग करवा के रहेंगे, लेकिन पैर दर्द करेगा। आप यहाँ से ना भूल ले लेना बैटरी कार। तो गाइस, थोड़ी बातचीत के बाद हम लोग गए बैटरी कार वाले लाइन में, और भाई यहाँ इतनी भीड़। और जैसे हम लोग काउंटर पे पहुंचे, पता लगा कि सारी गाड़ियाँ फुल हो गई हैं। अब 2-3 घंटे बाद फिर से दोबारा लाइन लगाना पड़ेगा, तो हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अर्धकुंवारी से हम माँ वैष्णो के दरबार पैदल ही जाएंगे। जय माता दी के नारे के साथ सब लोग आगे बढ़ते गए, और बहुत मज़ा आ रहा था। बाकी भीड़ तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर आप जहाँ तक नज़र जाए कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। खैर जो भी है, माँ वैष्णो की ताकत थी, माँ वैष्णो का आशीर्वाद, हम लोग आगे बढ़ चले। तो गाइस, अभी का ये अपडेट है कि हम लोग 1 घंटा पूरा वेट किए टिकट के लिए, कि हमें इलेक्ट्रिक कार की वो मिल जाए टिकट, तो 3:30 से 4:30 हो गया। और जैसे हम काउंटर पे पहुँचे, काउंटर बंद हो गया, काउंटर खुलेगा शाम को 6:30 तक मतलब। तो इसलिए शनिवार और संडे को जब भी आ पाएँ, ऑनलाइन बुकिंग करा के आए, हमें ये चीज़ नहीं पता था, नहीं तो हम लोग भी ऑनलाइन करा के आते। खैर जो भी है, अब हम लोग पहुँच चुके हैं, तो जाना है ही, तो हम लोग चल रहे हैं बस। बाकी ये लोग पीछे पीछे धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। मनीषा तो बहुत आगे आ गई, मनीषा बच्चे को देख के भाग रही है, इसको एक छोटा बच्चा दिख गया है, तब ये धीरे धीरे उसके पीछे पीछे भागेगी। जय माता दी, जय माता दी, लगभग 2 किलोमीटर पहले हैं। और यहाँ से माँ वैष्णो देवी का दरबार सिर्फ 2.25 किलोमीटर रह चुका है, तो हम लोग बहुत जल्दी पहुँचेंगे। मौसी बड़ी फुट पर भाग के आराम कर रही, देख सकते हैं आप लोग, मौसी को बैठ गई है यहाँ पे। मौसी बहुत फास्ट फास्ट भाग रही है, ज़्यादा फुर्ती भी। ऊपर वाला ना, क्या नाम है, वहाँ भी जाना है, वहाँ पर भी जाना है। इसमें रहती है ना, इसमें है, इसके आगवा है बहुत। तो गाइस बहुत ज्यादा थकान हो गया है आज, पता नहीं क्यों, इस बार हमेशा इतना नहीं होता, हम लोग पैदल चल के आए हैं, और बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ा। इस बार हम लोग घोड़े पे भी बैठे हैं, बस थोड़ी देर के लिए घोड़े पे बैठे हम लोग, मात्र 1.5 किलोमीटर। मम्मी बहुत ज्यादा थक गई है, मौसी भी, मौसी लेकिन आगे आके फिर आराम कर रही है, और हमारे सेठ जी भी,
और अभी हम लोग दूसरे रूट से जा रहे हैं तो कुछ मिल भी नहीं रहा है खाने को, और वैसे सबको भूख लग गई है, खासकर मेरे को, निशा को। और पीछे दुकान था कुछ कुछ चीज़ें का, लेकिन उसके बाद मेरे को लगा आगे दुकान होगा, अभी तक आया नहीं। पीछे देखिए इनको। गाइस ये देखिए, ये भी मम्मी भी और निशा भी सब लोग ज़मीन पे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठा हूँ क्योंकि मेरा ये घुटना बेंड ही नहीं हो रहा था और ये बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे पेन हो रहा है। मम्मी यहाँ बैठी। तो अब इसका टाइम हो गया है सेवा करने का। मेरा लेकिन इस बार पैर बहुत कम दर्द, मेरा पैर दर्द नहीं हुआ। मेरा भी अचानक ही होता है एकदम से। आज हम घर से सोच के ना कि आज हम भैरव बाबा तक जाएंगे, चाहे हमारा कितना ही पैर दुखा देगा, लंगड़े जैसे चलेंगे लेकिन फिर भी जाएंगे। वेरी गुड। बहुत साफ़ी दे। तो गाइस अभी मेरी हालत खराब हो गई क्योंकि मैं एक बार सीढ़ियों से आ गया था वैष्णो देवी, यही लड़का लेकर के आया था, और उसके बाद से मेरे पैर में जो दर्द होता है जब भी मैं सीढ़ी या पहाड़ी चढ़ता हूँ, ज्यादा चढ़ने लगता हूँ तो फिर दर्द होने लगता है। मुझे याद करता। तो ये इसी की देन है जिसके वजह से पिछली बार हम लोग साथ में भी रहते थे। तभी ये पैर दबा रही बेचारे। देखिएगा सो गाइज, अब हम लोग फाइनली पहुंचने ही वाले हैं माता के दरबार में, और क्या खूबसूरत नजारा प्रकृति का, एक अद्भुत सौंदर्य, बहुत सुंदर प्रकाश। ये देखिए मंकी मैन से मनीषा डर गई। जय माता दी। वक्त हो रहे हैं शाम के 6:20, और अभी यहाँ के हालात आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बादलों के बीच हम हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत घने बादल छाए हुए हैं, कुछ नहीं दिखेगा। तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब बारिश आने की आशंका है। पता नहीं क्यों हर बार आते हैं तो दर्द होता है। ऊपर देखो कितना खतरनाक है, और ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेट लगाया हुआ है ताकि कोई पत्थर वगैरह ना गिरे। बाकी सब लोग एकदम मस्त चल रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं माता का दरबार, आपको दिख रहा होगा हमारी प्यारी सी माता रानी का दरबार, और यहां पर प्रसाद की दुकान पे अभी मतलब प्रसाद भेंट शॉप पे भेंट ले रहे हैं, प्रकाश है और पापा जी भी हैं, और यहां पे मौसा जी कुछ कुछ बता रहे हैं कि बैठना नहीं चाहिए, धीरे धीरे चलत रहे, धीरे धीरे चलते रहे, कहीं ठीक रहेगा। बुझाइल कुछ का बुझाइल कि बैठल ना चाहिए, बैठे के ना चाहिए ना। बाबा धाम जाते हैं तो बाबा धाम में सब लोग का खाना बना के खिला के गाड़ी ले पहले पहुंच जाती है। हाँ बुझाई दसों 12 आदमी के सब लोग खाना बना के खिला दें, बर्तन के नाच के गाड़ी पे एकदम चल लेती है कांवर लेके, और सब को ले पहले पहुंच जाती है। बुझाई हम लोग फाइनली लाइन में लग चुके हैं और दर्शन के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग को बैठना है और उसके बाद अब दर्शन करेंगे। अंधेरा हो चुका है, वैसे कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे सब लोग दिख रहे हैं, लाइन वगैरह लगा हुआ है, ये तो आप देख ही सकते हैं। साथ में यहाँ पर अब सन्नी वगैरह सब लोग आ चुके हैं, तो अब यहाँ सारा सामान रख करके फिर हम लोग दर्शन वगैरह करेंगे, है ना। तो ये सब ये हम लोग ब्लॉक रूम में, ये देखिए कैसे अभी काम कर रहे हैं, यहाँ पे सारा जूता चप्पल रखाया हुआ है, मौसा जी भी आए हुए हैं। अभी हम लोग बैग वगैरह सब ले रहे हैं क्योंकि बहुत थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग आए हैं, और मौसा जी भी ले गए हैं डंडा इतना सारा हम लोगों का, और अब देखते हैं हम लोग को क्या करना है, भैरवनाथ जाएंगे या फिर भी अभी शायद करेंगे क्योंकि सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। मौसा जी पढ़ने नहीं निकल रहे हैं,
अपना सारा सामान निकाल और देखते हैं। सारा सीढ़ी अभी जाना है क्लॉक रूम के लिए। सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना पड़ रहा है यहाँ भी, इनको देखिए। मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ क्योंकि सबको फ़ोन की ज़रूरत है। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा क्लॉक रूम। तो दोस्तों, आखिरकार हमारी माता रानी से दर्शन हो ही गई और हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किया, बहुत अच्छे से हमने बहुत सारी मन्नतें मांगी। जस्ट उम्मीद की सब पूरी हों। मम्मी, निशा और मौसी सब लोग आगे चले गए और अभी हमें यहाँ सब यात्रा तय करना है अपना नेक्स्ट जर्नी का। जल्द से जल्द उसको भी कवर अप करेंगे, है ना मन जी? कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, सुकून मिला ना। अभी सब लोग भाग रहे हैं, हम लोग भी चलते हैं और आप लोगों को बने रहना। वैसे नीचे पहुंच के मैं ब्लॉग को एंड करूंगा। कुछ नहीं, अभी ये रोक रही है मेरे को, धीरे धीरे चलते हैं। सो दोस्तों, ठंड लग ही नहीं थी बहुत देर से हम लोगों को। मनीषा को मैंने बोला जैकेट पहन लो, ठंड से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मेरा भी जैकेट यहाँ पे, मैं भी अभी जैकेट को पहनूंगा। और ये भाई साहब तो मिस्टर हॉट, ये जैकेट ये पहले ही थोड़ा सा हैवी पहन के आए हैं शर्ट। अब चलिए मनीषा, रेडी? हाँ, अब मैं भी पहन लेता हूँ। सो गाइज, इसके बाद का हम लोग ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि फ़ोन की बैटरी लो हो गई। लेकिन वापस हम लोग भवन आए और भवन जब आए तो यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया, फिर मैंने फ़ोन चार्ज कर लिया था। सो गाइज, अभी हम लोग भवन में हैं, सागर रत्ना रेस्टोरेंट में। पीछे सबके लिए इंडियन, नॉर्थ इंडियन वो आया है खाना, और प्रकाश सांभर चावल साउथ इंडियन। मैं खा रहा हूँ रवा मसाला डोसा, ये खा रही है मैसूर मसाला डोसा, और उसके बाद हमारे पास पेट में स्पेस बचेगा जरूर क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी, तो खाएंगे चाउमीन और मंचूरियन, है ना। ये सब गार्लिक और ऑनियन फ्री है, ना गार्लिक है ना ऑनियन है इसमें। मनीषा नहीं है, वो तो हम लोग साइड से निकाल देंगे। मनीषा खिला रही है अपनी मम्मी को मंचूरियन। अब निशा गुस्सा हो गई है, निशा को डांट दी है मनीषा, क्योंकि निशा नहीं खा रही थी उसको सदाने के लिए कि तुम खाओ नूडल्स। पहले भी हम लोग बोले कि नूडल्स खा लो, वो खा ही नहीं रही है नूडल्स आज, और जबकि पहले बोली थी ना कि नूडल्स खाएंगे। चला जाए। सो गाइस, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और एकदम रास्ता आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा एकदम पहाड़ों के बीचों बीच, पहाड़ मतलब बिल्कुल रोड के किनारे ही है ना मनीषा। और जैकेट हम लोग दोनों लोग पहन लिए, पापा भी हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे फोटोज बहुत अच्छी आएंगी तो हम सोच रहे हैं फोटो ले लें। गाइस, मिस्टर राज के पैर में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि अभी जाने के टाइम में ऐसे इनका पैर बहुत दर्द हो जाता है, तो अभी आप लोग देख सकते हो ये मसाज करने वाले मतलब मालिश करने वाले अंकल अभी मालिश कर रहे हैं इनका, और बहुत ही अच्छे से आराम मिल रहा है। जिस पैर में ज़्यादा दर्द है उसको ज़्यादा करूँगा। यहाँ पे पापा भी बैठे हुए हैं। अभी हम लोग नहीं है क्योंकि ऊपर में बहुत ज़्यादा ठंडा है और सब लोगों ने कुछ नहीं लाया था, मतलब। सो गाइज, अब हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं नीचे, भवन से आ चुके हैं। मनीषा बिल्कुल थक गई है, अभी हंसने का मन भी करेगा ना तो भी नहीं हंस पाएगी। बाकी यहाँ पे मम्मी ये भी थक गई है, निशा भी थक गई है, और इस समय तो भाई साहब बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने की हिम्मत नहीं हो रही है। वक्त यही कोई सुबह के 2 या 3 बज रहे होंगे। अभी हम लोग फ़िलहाल चलते हैं होटल, कल शुरुआत करेंगे एक नए ब्लॉग से। उम्मीद है कि आप सभी को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।